और जितने भी जिस प्रकार से भी ये लोग लोगों को रोक सकते हैं, भोजन साथियों की एंट्री संस्थाओं में रोक सकते हैं, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बात ये आ जाती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने 72% रिजर्वेशन का ऐलान किया, एक उम्मीद जगी कि ऐसे दौर में जहाँ पे इतना सप्रेशन चल रहा है, केंद्र सरकार सारी केंद्रीय एजेंसियाँ सारे एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हुए कि किसी तरीके से इन जो एंट्री है सबाल्टर्न क्लासेस की, इसको रोका जाए। ऐसे में उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमारे बाकी के जो राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ पे भी सरकारें हैं वहाँ पे भी इस तरीके के कुछ कदम हो तो वाकई वो स्वागत योग्य होंगे। उसके लिए हमारे जितने भी साथी हैं, बहुजन चिंतक हैं, उन सब को अपने अपने स्तर पर आर्टिकुलेट करके लिखना भी होगा। और जो साथी प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सारे साथियों को सहयोग करना भी होगा। आर्थिक सहयोग जितना भी जैसे भी कर सकते हैं, वो सारे सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हम सबको मजबूती के साथ में अपनी लड़ाई लड़ाएंगे, तभी हम कई प्रकार इस तरीके से मुकाबला कर पाएंगे और वास्तविक रूप से अपने संविधान को बचा पाएंगे। नहीं तो ये कुछ 15% चुनिंदा लोग सारी सत्ता सारे संस्थानों में काबिज होकर हम लोगों को एकदम संस्थानों से एकदम बाहर कर देंगे और वही पुराने परिवेश की तरफ वो बढ़ाएंगे कि तुम अपना रूटीन काम करो, दूध का काम करो, चमड़े का काम करो, जो जिसका काम कर रहे हो उसी तरफ प्रिवेल कर रहे हैं कि आप लोग उसी तरफ जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।